हाँ सर्किल का जनरल इक्वेशन अज्यूम कर लिया, फिर एक एक कंडीशन अप्लाई करते जाए जैसे जैसे क्वेश्चन है। पहला जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा है तो देखना एक एक कंडीशन निकल जाएगा। पहला कंडीशन क्या है तो सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट्स। क्या करूं, ठीक हाँ सर। है। सेकंड कंडीशन एंड इट सेंटर लाइज ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। कैसे यूज करूं उसको, सर जी आर एफ के फॉर्म में। हाँ तो माइनस जी माइनस एफ इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस जी माइनस वन, ठीक है। और और पासेस थ्रू द पॉइंट 7.3। तो क्या, सर डाल देंगे इक्वेशन। बस तो तीन इक्वेशन है। हाँ सर, मैं दूसरे तरीके से देख रहा। सर्किल के लिए हमेशा तीन कंडीशंस रहता है, सर्किल ही नहीं आगे वाले चैप्टर्स में भी वो तीन कंडीशंस को वही टेढ़ा मेढ़ा करके देंगे। यहाँ रेडियस सेंटर लाइज ऑन दिस, मतलब हर बार डिफरेंट रहते हैं कंडीशंस। हाँ सर। सर आपने कल क्या करवाया टीवी पार्टी में? तो t equal to 0 will give us the equation of the tangent provided the point is on the circuit. Okay. There was one parametric form which I'm not mentioning again. उसी का extension था, और एक एक form था which was more important. आज हम लोग पूरा इसमें ज़्यादा focus करेंगे. Slope form याद है क्या? हाँ सर। यस सर। y equals to mx एम plus minus r into root 1 plus m square. स्क्वायर लेकिन ये कौन से सर्किल के लिए है? x square plus y square equals to r square के लिए। अगर वही सर्किल x minus x1 का स्क्वायर y माइनस वाई वन का स्क्वायर आर स्क्वायर होता तो सर वाई के बदले वाई माइनस y के वाई वन। बदले y माइनस वाई वन, x के बदले x माइनस x वन, बाकी पूरा डिटो। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, मतलब हाई लेवल एडवांस क्वेश्चंस में स्लोप फॉर्म ज्यादा पूछते हैं। अदर देन दैट लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन कोई पढ़ के बता सकता है क्या? हाँ सर ठीक है। सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। That's it. Okay. चलेगा. Read on one question then. Read on. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent to the circle. Find the equation of the tangent to the circle. X square plus y square plus 6x minus 4y minus 1 equals to 0. Find the equation of the tangent to the circle which are perpendicular, which are perpendicular to the line, which are perpendicular to the line x plus 2y minus 1000 equals to 0. Which are perpendicular to this line. Find the equation of the tangent to this circle, which are perpendicular to a certain line. इसके लिए कोई सर्किल है, सर्किल का क्वेश्चन देखते तुम लोगों को फट से 1 सेकंड के अंदर सेंटर रेडियस निकाल के रखना है। शुभ एक ही आंसर आएगा क्या? श्योर श्योर शुभ, वो स्लोप तो सही बताया, नॉट श्योर अबाउट द मतलब सिंगल आंसर और डबल आंसर, चेक कर। सर रेडियस का क्या
क्या काम होगा इसमें? ओके क्या काम होगा सोचते हैं, सेंटर है माइनस थ्री कॉमा टू और रेडियस कितना आ रहा है सर? एक सेकेंड, टू रूट थ्री, अंडर रूट ट्वेल्व आ रहा है। अंडर रूट, हाँ सर अंडर रूट। सर एलाबोरेट करो, रूट ऑफ क्या होगा पहले, जी का स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, सॉरी जी का स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और क्या आता है आगे, माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस ऑफ सी, माइनस सी। ध्यान से देखो, हाँ सर रूट, सर अंडर रूट फोर्टीन, अंडर रूट 14। सेंटर रेडियस तो तुम लोग ऐसे बहुत ही फास्टली करना है। तो सर्कल है जिसका सेंटर रेडियस पता है और कोई तो लाइन है, कोई तो लाइन है, आई डोंट केयर हाउ द लाइन इज, बट मतलब लाइक थाउजेंड इज जानबूझ के दिया ताकि रियलाइज हो कि इट डजंट मैटर। एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है और इस सर्किल का टेंजेंट भी है। तो कितने आंसर्स आएंगे पहले? दो आंसर्स आएंगे, समझाना शुभ? हाँ सर, दो आंसर्स आएंगे। There will be two tangents which will be perpendicular to this line. The question is to find this equation of this tangent. तो इस equation of the tangent के लिए तुम लोग सोचो दो main forms है, एक point form और एक slope form। इस question में क्या apply करेंगे? सर डायमेट्रिक फॉर्म के, डायमेट्रिक फॉर्म से निकलेगा क्या आंसर, क्या आएगा डायमेट्रिक फॉर्म से? सर्किल का इक्वेशन आता है, लेकिन हमें सर्किल का इक्वेशन थोड़ी ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है इन्फॉर्मेशन क्या पता है? समझो इजार, इस टेंजेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता है? परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है, तो अभी गिवन लाइन का स्लोप, दैट इज द गोल्डन वर्ड, गिवन लाइन का स्लोप पता है हमें, सर। हाँ बोलो सर, एक थोड़ा लेम डाउट है सर, रूट 14 इनटू रूट 5, 14 रूट 14 इनटू 5 होगा? यस करेक्ट। चलो बोलो अनिश, क्या कुछ डाउट है, कुछ रिपीट करना है क्या? No problem. Now we have to find ये जो given line है, इस line का slope क्या है guys? Minus one by two. Minus one by two. तो ये जो perpendicular line का slope क्या हो जाएगा? Two. Absolutely correct. Slope इसका two रहेगा. Should I elaborate or is it understood to everybody? That seems correct, Sakshi. Now, slope पता है, tangent का slope पता है, तो slope form का equation क्या है? What is the equation of y minus y one? Perfect, Sakshi. Others also think equation of tangent का वो form रखना पड़ेगा तुम लोग। Let me write it. Equation of the tangent is y minus y1 equals to m into x minus x1 plus minus r into root 1 plus m square. तो शुभ r का use आएगा ना? हाँ सर। शुभ इतना सॉरी स्वयं irrational numbers नहीं आएंगे क्या? Did you just forget about the roots?
यस सर सॉरी लगता तो है। हाँ बाकी सही लग रहा है, वो रूट डाल देगा तो सही आ जाएगा। वाई वन एक्स वन आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, तो वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू एम इनटू एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस आर इनटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। मैंने सिर्फ एक्स एंड वाई वन पुट किया, आई नो एम एंड आर आल्सो, आई विल सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज आल्सो। y minus 2 equals to m 2 लेंगे, 2 times x plus 3 plus minus root 14 into root of 1 plus 2 square। ऐसा कुछ तो weird सा equation आ गया, and that is the answer. There will be, why, understand that there will be two answers, guys. It should feel natural to you. तो आज के क्लास में टेंजेंट्स और सर्कल्स मिला के करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है गिवन स्लोप, अगर स्लोप गिवन है तो, पॉइंट गिवन है तो पी इक्वल टू जीरो यूज करेंगे। बस यही दो चीजें याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, स्लोप फॉर्म पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। लेट मी शो यू डिफरेंट वेरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम। पहले ये क्लियर हो गया कि एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। यस सर। Okay, now let a next question. Sir, 1 minute. Note. Okay. Y minus 2 equals to M into tha. तुम लोगों को कोई सर्कल्स का क्वेश्चन बैंक चाहिए क्या? हाँ सर भेज दो। ठीक है आज बनाता हूँ। आरडी शर्मा में से तो कर लिया बात। बहुत ग्रेट सर, आरडी शर्मा में डायमेट्रिक फॉर्म तक किया। ओके ओके हो गया क्या सर? हाँ सर। ओके रिस कर रहा हूँ। ओके राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी बट स्टिल गिव इट अ ट्राई एंड आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग इन 2 मिनट्स। पैटर्न इफ इफ टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इफ टू इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल टू अ सर्कल, if two equations of tangents to a circle are 3x minus 4y plus 10 equals to 0, six x minus eight y plus twenty five equals to zero. Find कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, रेडियस पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, फाइंड रेडियस और एरिया ऑफ द सर्किल और पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। बेसिकली द चार्म इज टू फाइंड रेडियस, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल। इफ टू इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू सर्किल आर दीज टू, फाइंड द रेडियस। Start observing the numbers in mathematics. That is the right, Shubh. Perfectly correct. Bahut fast kiya, very nice, sir.
लाइक शुभ हैज ऑब्जर्व्ड डिड द अदर्स आल्सो ऑब्जर्व स्लोप सेम होगा दोनों का स्लोप सेम होगा दैट इज करेक्ट इज आर दोनों का स्लोप सेम होगा मतलब दोनों टेंजेंट्स कैसे रहेंगे लास्ट क्वेश्चन वाला सिनेरियो पैरेलल ओके यू कैन जस्ट यूज दिस मैथमेटिकल वर्ड्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल तो आई नीड द रेडियस अरे शुभ आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट बट नॉट एक्यूरेट दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं तो देयर इज अ फोर ब्लाइंड स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c1 equals to 0 or ax plus by plus c2 is equals to 0 so there is a distance between parallel lines no show radius negative nahi hoga sir ab 2 minute doge yes I'll just write down the formula distance between parallel lines is guys this c1 minus c2 divided by root of a square plus b square this formula is coming into play shubh jo tera answer aaya is it the diameter or the radius is what I'm trying to understand ha sir abhi ye diameter yeah so the parallel tangents de rakhe to circle koi bhi ho beech mein dono tangents ke beech mein circle ka radius to fix hi rahega सर वो दो डायमीटर हो जाएंगे पॉइंट्स वो दो डायमीटर हो जाएंगे मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगा दैट इज अग्रीड तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स यू जस्ट हैव टू नो साक्षी जस्ट हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल लाइंस तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ढूंढने के लिए फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा तुम लोग को या शो ऑफ कोर्स मैनिपुलेशन करना पड़ेगा क्या मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम कोएफिशिएंट सेम करने यहाँ पे सेम नहीं है तो क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 या यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स तो 6x माइनस 8y प्लस 20 करके भी लिख सकते हैं लाइन को तो ये दो लाइंस हो गए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है साक्षी ध्यान से कर तो फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यूज किया कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यूज किया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वो तो गलत हो गया ना फिर दैट इज करेक्ट वीर प्रणय दैट इज राइट टू एन एक्सटेंड या बट द क्वेश्चन इज टू फाइंड द रेडियस विशिका अभी तक आया नहीं आंसर अरे बोल सो सर आपने होमवर्क दिया था उसमें था सेम सम ओके c1 माइनस c2 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर सिंपलीफाई करो फास्टली That's right, Swayam Sakshi. Pranay, Rushika or Pranay, I hope you got it that this D ka value is not the answer. Ye 5 by 10 aata hai, 1 by 2. But is D the radius? No, sir. Yes, therefore radius is basically half of that. 1/4 is the answer. That's right, is our ek aur question karte right on. Matlab variations bata raha hu formula hum log basically tangent ke different types of questions. Next question batata hu. You done everybody? Yes, sir. Yes, sir. Acha. और एक चीज पॉइंट दिया है तो टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना आता है ना सबको यस सर इक्वल टू जीरो वाला नाउ थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट
3x plus 4y minus 50 is equal to 0 to the circle x square plus y square equals to 100. Try to understand the language. Find the point of contact of the tangent to this circle. नहीं साक्षी, ये तूने गेस किया क्या? जिस तरीके से गेस किया उसी तरीके से करना है, थोड़ा सा एक्यूरेटली करना है। I'll ask you again in some time how you guessed it, but तेरा thought process correct है। Find the point of contact of this tangent to this circle. Can anybody explain the question in simple words? Tangent का equation दिया है. Tangent का equation दिया है. Radius दिया है और center दिया है और एक point पे उसको cut कर रहे circle. उसको क्या कर रहा है? Touch कर रहा है. Correct word used. Touch कर रहा है. You should understand touch and cut. These are two important words to understand simple English words. Touch, tangent touch karega. Kon cut karega? Sir, it is passing through a specific point. Yes, ye to touching hota hai. Secants cut. Secant jo hai cut karte hai. Tangent jo hai touch karte hai. Okay, I hope you. Swayam, I think you also have guessed it. Now, hame ye point, मान लेते P, ये पॉइंट हमें ढूंढना है. टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है, सर्किल का इक्वेशन भी दे रखा है. द वेरियस वेज टू एनालाइज दिस क्वेश्चन और सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी क्रिएटिव. अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, इसीलिए जो भी आते हैं हमें, तुम्हें अगर कुछ थॉट प्रोसेस आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो भी चलेगा गाइस. तुम लोग थॉट प्रोसेस बताओ, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ तुम लोगों को. आई विल हेल्प यू विद द टूल्स. Swayam, can you elaborate? How did you reach that point? Sir, वो formula use किया था मैंने, x into x1 plus y into y. साक्षी और स्वयं दोनों ने ये सोचा कि जो point P है, इस point को x1 comma y1 मान लेते हैं पहले, ठीक है? Our like motive or the our quest is to find x1 and y1. तो अगर ये point x1 y1 मान लिया, अगर ये पॉइंट एक्स वन वाई वन मान लिया तो बट आई नो समथिंग. आई नो व्हाट? आई नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. आई नो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट? कैन एनीबॉडी टेल? एक्स एक्स वन डीएक्स प्लस. नहीं, हाँ, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. एक्चुअली बोथ ऑफ यू कंबाइंड इज द आंसर. जो शुभ ने बोला इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होना चाहिए एक्स एक्स वन plus y by 1 minus 100 equals to 0. Did everybody understand this step? Yes, sir. Lekin, equation of the tangent de rakha hai is question mein. Equation of the tangent de rakha hai 3x plus 4y minus 50 is equals to 0. Ye hona chahiye tangent aur ye de rakha hai. Toh kya karun? Sir, come back. Yes, these two are same only.
मतलब ये होना चाहिए, स्वयं सोचना अभी, ये होना चाहिए, ये दे रखा है, ये दोनों लाइन सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, वीर इज करेक्ट। थोड़ा दिमाग लगाओ एवरीबडी इन द क्लास। कंपेयरिंग इज करेक्ट, सेम ही लाइन होना चाहिए, जब सेम ही चीज होती है दोनों चीजें तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर मतलब आई होप एवरीबडी नोस व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज करेक्ट शुभ। करेक्ट कंपेयर मतलब कोएफिशिएंट्स, x के साथ x1 है, नीचे x के साथ 3 है, तो x1 और 3 का रेशियो सेम होना चाहिए, x1 का वैल्यू एग्जैक्टली 3 नहीं होना चाहिए, नॉट नेसेसरली, x1 और 3 का रेशियो सेम होना चाहिए। सेम विद y1 और 4 का रेशियो, y1 और 4 का रेशियो सेम होना चाहिए, दैट रेशियो शुड बी सेम एज द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट्स, -100 और -50 का रेशियो से भी बराबर होना चाहिए। तो इधर ध्यान से देख, x का x1 y1 को 3 4 लिख देगा, x1 y1 को 3 4 लिख देगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा क्या? आर यू श्योर x1 y1 को 3 4 नहीं आएगा ना? क्या लिखूंगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। कंपेयर करना इज स्मार्टर वे, मतलब x1 by 3 का रेशियो, y1 by 4 का रेशियो और 100 by 50 सेम होना चाहिए यार, और कितना एलोकेट करो। स्वयं आ गया क्या तेरा आंसर? Well, 100 by 50 is just 2, तो इसका वैल्यू 2 है, तो x1 by 3 should be 2, और in simple words, x1 should be 6, and y1 should be 8. I hope इजार स्वयं तुम लोगों का मिस्टेक तुम्हें मिल गया। क्या क्या? 6.8. 6.8 आया कि नहीं आया? आया। Okay, आया, okay. वीडियो ऑन करके बता दे। अच्छा, ऑन किया क्या वीडियो? I didn't see. नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सर हाँ बोलो। मैंने इसमें वो परपेंडिकुलर फॉर्म यूज किया था। ओ ग्रेट चॉइस, आई विल टेल यू दैट आल्सो। ये अरेज कर दूं क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? हां सर, एक डाउट है। हां एक सेकंड सर, तो ये किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सर मुझे यही क्वेश्चन है। दूसरा मेथड बोल रही हो कि इसी इस मेथड में डाउट है? मतलब मुझे एक जनरल डाउट है कि 3x + 4y - 50 है और 6x plus 8y minus 100, तो वो दोनों लाइक सेम लाइन होता है या अलग लाइन होता है? सेम लाइन होता है, इक्वल टू 0 है ना। x से की ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, x equal to 3 और 2x equal to 6 सेम होता है कि डिफरेंट होता है? सर हाँ, मैं भी कुछ पूछूं, थोड़ा सिली है पर रेशियो कंपैरिजन के सर कंडीशंस क्या देखनी होती है? रेशियो कंपैरिजन के लिए रेशियो कंपैरिजन कब तब करते हैं जब दोनों चीज सेम ही होता है, सेम ही चीज है, मतलब सेम ही चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 1.2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, और क्वेश्चन मेकर ने बोला कि 1.2 का एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो a और b ढूंढो, मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, सिंपलीफाइड वर्जन रहेगा एक दूसरे का। हाँ यस यस, सिंपलीफाइड वर्जन रहेगा, मतलब एक को कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरा बना। ओके सर, तो इसी को हम लोग टू रूट्स कॉमन करके क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन देन a1 by a2 should be b1 by b2 should be c1 by c2 करके कुछ होता है, आई डोंट नो याद है कि नहीं, बट ठीक है। ओके, नाउ दिस इज वन मेथड जो हमने किया। एक और मेथड है, शुभ ने जो बोला उसने ये बोला कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है गाइस? 0.0। ये सर्किल है और ये लाइन भी पता है 3x plus 4y minus 50, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए। तो वो ये सोच रहा है कि यहाँ से 0, 0 से अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर या रेडियस बना दू, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर रहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ही मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस मिलेगा, और डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस बराबर होगा,
तो हमें पहले से भी पता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। आई थिंक रिवर्स वैसे भी कर सकता है बट थोड़ा लेंदी है। तो अगर मैं उधर अटक गया, वही नहीं समझ रहा कैसे करूं। तो ये जो पॉइंट पी है किस किस का इंटरसेक्शन है? रेडियस और टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट का मतलब पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट। ओके, इज इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन पता है 3x + 4y - 50। अच्छा, अभी रेडियस का इक्वेशन ढूंढना है। रेडियस का इक्वेशन ढूंढना है तो एनी थॉट प्रोसेस इक्वेशन ऑफ रेडियस ढूंढने के लिए, मतलब इक्वेशन ऑफ ये लाइन का इक्वेशन पूछ रहा हूँ। ये लाइन का इक्वेशन कैसे? सर वो नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल है, करेक्ट। उस इस ये जो नॉर्मल है उसका स्लोप पता है क्या? -4.3/3। माइनस नहीं, बाकी सब सही है। कैसे बताया? बिकॉज इस लाइन टेंजेंट का स्लोप तो -3/4 है, तो उसका परपेंडिकुलर रहेगा ना। -3/4 का परपेंडिकुलर क्या है? 4/3। तो इस रेडियस का स्लोप पता चल गया। और इस लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए और क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए जो 0.0। तो है ही पॉइंट, तो रेडियस का इक्वेशन क्या होगा? y - 0 = m (x - 0). ये हो गया रेडियस का इक्वेशन। फिर क्या करूंगा? सॉल्व y = 4/3x, y को ऊपर पुट कर दूंगा, 3x + 4 × 4/3x -50 = 0। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस मेथड आल्सो? यस सर। यस सर। और किसी ने कुछ सोचा, कुछ और तरीका? और एक तरीका ये रेस्ट कर दूं क्या? एक सेकंड। ऊपर मैंने ये लिखा था इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस। फर्स्ट मेथड ही फास्ट है। हो गया तो बताना। यस सर, डन। बस सॉल्व करें सर, एक मिनट। सॉल्व मत करो, एक्स का वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा? पिछले सम का आंसर 6 से आएगा, 150/25 आएगा। एक्स का वैल्यू 6 आ गया, वाई के वैल्यू के लिए क्या करेंगे? रो इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट कर देंगे किसी भी। और एक फंडामेंटल तरीका है, फंडामेंटल तरीका ही बोल रहा हूँ उसको। फंडामेंटल तरीका इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उसमें ना जो नेक्स्ट मेथड है उसमें कोई सर्कल से कोई मतलब ही नहीं है। वो दैट मेथड इज एक्चुअली यूनिवर्सली करेक्ट। तुम लोगों को जैसे कि दो लाइन्स है x + 2y - 3 = 0 और 2x + 3y - 5 = 0। नाउ यहाँ पे x + 2y - 3 में x, y क्या है? 1, 1। हाँ, वैसे x, y होता है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, और इस वाले लाइन का x, y होता है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो ये पॉइंट जो दोनों में भी है उसको ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों को सैटिस्फाई कर रहा है, मतलब वही पॉइंट ढूंढ रहे, सॉल्विंग मतलब वही होता है। तो ये चीज दो लाइंस ही नहीं, एक लाइन और एक सर्कल, एक कोई भी कर्व, कोई रैंडम कर्व और रैंडम लाइन है, उनको सॉल्व करेंगे तो भी हमें बेसिकली ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों पे भी लाइक करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में एक टेंजेंट दे रखा है 3x + 4y - 50 = 0 और एक सर्किल दे रखा है x² + y² = 100। 100 ही था ना? ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी क्वेश्चन में, ये सर्किल है और एक लाइन है, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है
जो सर्किल पे भी लाई करना चाहिए एज वेल एज स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करना चाहिए। तो हम डायरेक्टली कुछ सोचे बिना दोनों को सॉल्व भी कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व, सॉल्व मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। y का वैल्यू यहां से पिकअप करेंगे, y क्या होगा 50 माइनस 3x बाय 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 वो पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा। समझ में आ गया एवरीवन? अरे बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? मैंने ये मेथड सोचा था बट मुझे समझा नहीं कैसे सॉल्व करना। सॉल्व अभी समझ गई? हां सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा सर, ये बहुत लंबा नहीं होगा? हाँ लंबा है, इसीलिए थर्ड मेथड है, पुश कर दिया। बट फास्टेस्ट तो फर्स्ट मेथड ही है, वो वही है कि मैं ये वाला मेथड ना यूनिवर्सली करेक्ट है। सर्किल की जगह कोई भी आड़ा टेढ़ा कर्व दे रखा है और सॉल्व करने पर क्या मिलता है, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे कर्व और रो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जस्ट कीप इट इन माइंड, चलेगा। नेक्स्ट पार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है तो दोनों में से एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तो तुम लोग थोड़ा अपना टाइम लेके अपना क्रिएटिवली आंसर बताओ। मैडम मतलब आंसर से ज्यादा आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द थॉट प्रोसेस। तुम लोग कोई भी थॉट प्रोसेस है तो बताओ, सिली विली कुछ नहीं है। मैडम फाइंड द इक्वेशन और ब्रैकेट में एस, लाइक फाइंड द इक्वेशन और इक्वेशंस प्लूरल भी हो सकता है, ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 विच पास थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस सर्किल विच पास थ्रू 4, -3 which pass through 4, -3 is the first question. Second question is 7, 1. There are two questions. Find the equation of the tangent to this circle which pass through two questions. Try karo 5 minutes. I'll just come back in 2 minutes.
वीर एंड साक्षी फर्स्ट वाला करेक्ट है, बट वीर सेकंड वाला गलत क्यों है समझना इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आर नॉट द सेम मेथड. इफ यू कैन रियलाइज व्हाई दैट विल बी नाइस. यस सर. अदर देन साक्षी कोई बता सकता है क्या कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? एनीवन अदर देन साक्षी? ये पॉइंट और ये पॉइंट पे देखो क्या है प्रॉब्लम, डिफरेंस क्या है. सर सेटिस्फाई नहीं हो रहा 7.1. हाँ कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? सर सर्कल के क्वेश्चन 7.1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. 7.1 पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है कि इनसाइड द सर्किल है? सर आउटसाइड. क्या है? आउटसाइड द सर्किल है. ओके फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कल है 4.-3 से पॉइंट ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल. सेकंड वाला में पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल. दे आर टू डिफरेंट. हाउ डिड यू नो दैट इट इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल? सर नेगेटिव होता है तो ऑन द सर्किल है ना. नेगेटिव होता है इनसाइड है. सैटिस्फाई करता है तो ऑन द सर्किल. यस पॉजिटिव होता है तो आउटसाइड द सर्किल है. ओके पॉजिटिव इनसाइड है ना? नहीं नहीं पॉजिटिव आउटसाइड है. ओके नाउ तो पॉइंट ऑन द सर्किल लाइक करते हैं तो इजीएस्ट मेथड है. पॉइंट ऑन द सर्किल लाइक करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलेगा? सर वो xx1 से. यस xx1 से या t इक्वल टू 0 बोलेंगे. सिंपल सी बात है. t इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे क्या होगा? x into 4 प्लस y into -3 -25 इज इक्वल टू 0 जो बहुत लोगों ने सही भेजा है. नाउ If the point lies outside, सबसे पहले you should remember that t equal to 0 should not be applied for the tangent. t equal to 0 should not be applied for the tangent. That is the fundamental thing that you should understand, everybody in the class. So, I'll go on with the second question. First question में किसी को doubt है क्या? No, sir. Okay, I'll erase the first question now. Now, this time, the point 7.1 is outside. The point 7.1 is outside. So, is a tangent possible? Number one. Yes, sir. How many tangents are possible? Two. Two tangents are possible. Absolutely correct. Two tangents are possible. Okay. तो ये दो tangents के लिए tangent मतलब line का equation है. तो ये tangent का equation कैसे ढूंढूं? तब slope point function. स्लोप पॉइंट फॉर्म से. परफेक्टली करेक्ट. तो ये जैसे कि कोई एक टेंजेंट ले लेते हैं, ये टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें स्लोप पॉइंट पे टारगेट कर रहे हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म इज द आइडिया. नाउ नाउ स्लोप पॉइंट फॉर्म में से क्या क्या गिवन है? सर एक्स एंड वाई एंड रेडियस. पॉइंट गिवन है. डोंट यू थिंक सो? पॉइंट इज गिवन. यस सर. यस रेडियस ऑफ द सर्किल इज गिवन, बट व्हाट आई नीड इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट. तो और क्या चाहिए? तो टेंजेंट के इक्वेशन क्या होगा? y is equal to mx plus minus r under root 1 square plus m square. That is fine. I was actually expecting a much more simple thing. Slope और point अगर मिल गए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है ना. तो वी कैन जस्ट राइट y माइनस 1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस 7. दिस विल बी आवर आंसर. इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस यस सर. तो माय मोटिव राइट नाउ इज टू फाइंड दिस m. माय मोटिव राइट नाउ इज टू फाइंड दिस m. ओके m ढूंढने हैं. तो जस्ट नाउ समबडी टोल्ड m के रिलेटेड हमारे पास कुछ है. m के रिलेटेड एक स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट है. स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट तक क्या होगा इस सर्किल के लिए? कैन यू टेल मी फॉर दिस सर्किल फॉर m? वी आर यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर दिस सर्किल? x square plus y square equals 25. y is equals to mx plus minus 5 under root 1 plus m square. ठीक है. अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे m का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो क्या मिलते जाएगा?
m का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो मुझे नया टेंजेंट मिलता जाएगा हर बार. इज एवरीबडी क्लियर? यस सर. यस सर. इस क्वेश्चन में ऐसा टेंजेंट ढूंढना है, ऐसा टेंजेंट ढूंढना है जो 7.1 से पास करे. ऐसा टेंजेंट ढूंढना है 7.1 से पास करे. तो क्या करूं इस स्लोप फॉर्म का सर? ये जो इक्वेशन है उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए. हाँ, कौन किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? 7.1 जो पॉइंट है, 7.1 पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करना. मतलब हम लोग ऐसा एम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सच दैट वो 7.1 को सेटिस्फाई करे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर. यस सर. ओके, तो फिर क्या करूं? कैन यू एलाबोरेट? 7.1 सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने. 7.1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो y की जगह 1 इज इक्वल टू m इंटू 7 प्लस माइनस 5 इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर. थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं. 7m को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, 1 माइनस 7m. फिर क्या करूं? डायरेक्टली लिख दूं? स्क्वायर करेंगे. यस सर. इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस और माइनस. स्क्वायर कर दिया ना अभी. 25 into 1 plus m square. कैलकुलेशन है, आई एम अस्यूमिंग सबको सब फॉलो कर रहे हो. एक्सपेंड कर देंगे. 1 minus 14m plus 49m square is equals to 25 plus 25m square. सब कुछ एक साइड लेके आ जाएंगे तो 49 minus 25 24m square minus 14m minus 24 is equals to 0. We can divide it with something. टू ना उससे ज्यादा ठीक है. 12m square minus 7m minus 12 equals to 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस से करोगे क्या? यस सर. करके बताओ. m m आने के बाद फिर कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे m को? सर ये जो y माइनस वन m का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. क्वाड्रेटिक आ रहे, डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर. सर हाँ बोलो. सर हम m के नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते ना? क्यों नहीं ले सकते? एक स्लोप नेगेटिव एक स्लोप पॉजिटिव हो सकता है सर. इसके लिए क्वाड्रेटिक आ रहे हैं ना? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से नहीं, दो वैल्यूज ऑफ m आ रहे हैं इसीलिए. दो वैल्यूज ऑफ क्यों m क्यों आना चाहिए, समझ आ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ सॉल्व करके बताना जरा. मैं बोल रहा था. हाँ हाँ तो नेगेटिव बोल रहा था. बढ़िया. बट इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नेगेटिव है. थैंक यू स्वयं, बट वो गलत लग रहा है सर. 16 क्या? 16 सर. एक मिनट. फ्रैक्शन आएगा. स्वयं वो दोनों भी रॉन्ग ही है शायद. सर 4/3 वो तो एक वैल्यू है. हाँ सही लग रहा है सर. और बाद में माइनस आएगा ना. थैंक यू ऋषिका. हाँ तो जहां तक मोस्टली राइट, एक 4/3 और एक माइनस 3/4 आना चाहिए. हाँ सर आया. तो देखो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ टेंजेंट यही है. पॉइंट अगर बाहर है तो दो टेंजेंट्स रहेंगे. दो टेंजेंट्स ढूंढने के लिए हम लोग पहले स्लोप ढूंढ रहे हैं, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं.
That's right, Swayam. देख ले क्या मिस्टेक किया पहली बार, क्योंकि 11 बहुत वियर्ड नंबर था, 11 कहीं आ नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने रॉन्ग किया। अरे मैंने ना हाँ रेडियस को ना हाँ 5 ही ले लेता, मतलब नहीं मतलब 5 लिया फिर उसको ना हाँ उसको ना हाँ उसको मतलब उसको स्क्वायर नहीं किया। ओह स्क्वायर नहीं किया, ओके ओके। इसी का इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले हो गया तो बताओ। प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके गाइस हो गया तो जरूर बताओ। सर हाँ सर आप एक बार समझा सकते हो ये 7.1 जो वो ये वाले इक्वेशन को सैटिस्फाई क्यों करेगा, क्योंकि टेंजेंट 7.1 से पास कर रहे हैं, ऐसा टेंजेंट ढूंढ रहे जो 7.1 से पास कर रहा है, वही तो नहीं है क्वेश्चन। दैट्स इज नाइस स्वयं, समझे कि नहीं साक्षी? सर मतलब नहीं वो y is equals to mx plus वो हमने लिया ना, मतलब हाँ। वो उसमें हम लोग ने q सब्स्टिट्यूट किया, मतलब ये क्या है इक्वेशन ऑफ व्हाट टेंजेंट, टेंजेंट हाँ। इस क्वेश्चन में टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है? ओके ओके अंडरस्टूड। तूने तो बोला ये मेथड, तू खुद ही। हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई सर। ठीक है, और किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूँ, सिमिलर सा है बट थोड़ा सा टफ बनाऊंगा, सर्किल का इक्वेशन चेंज करके। ये तो इजी सर्किल था तो इजी टेंजेंट फॉर्म था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किल होगा तो याद करो कैसे फॉर्म रहेगा। That is the next question. Am I raising this? किसी को doubt है तो now is the time to ask. Okay, get on. Find the equation of the tangents. Find the equation of the tangents. drawn from origin onto the circle x minus 7 the whole square plus y plus 1 the whole square is equals to 25. Find the equation of the tangents drawn from origin onto this circle. Give it a try, everyone. मैंने तुम लोगों को लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया ना पहले कभी? रूट एस वन ना सर। हाँ, यस। चलो अच्छा। सर ओरिजिन आपने उसका बोला ना, मतलब कार्टेशियन प्लेन का? हाँ, एक ही ओरिजिन होता है, और किस और कौन सा होता है? एक सेकंड सर, मेरा वीडियो वो हो गया था तो मैं डिक्टेशन सुन रहा था आपका। हाँ, from 0, 0 वही। Find the equation of the tangents drawn from origin onto this circle.
जीरो जीरो से दो टेंजेंट्स बनाए, तो टेंजेंट्स के इक्वेशन ढूंढना है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, एम ढूंढना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कैसे करूं सर? पहले इक्वेशन सॉल्व कर लें। कौन सा इक्वेशन? मतलब सर्कल का इक्वेशन सिंपलीफाई कर लें। करने के बाद फिर क्या करेगा? फॉर्म में लिख दें पहले। सर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी y minus y1 is equal to m into x minus x1, वही वाला। करेक्ट। सिंपलीफाई करने की जरूरत है क्या? और या ये फॉर्म ही अच्छा है? सर यही फॉर्म अच्छा है। यही फॉर्म अच्छा है एक्चुअली। सर इससे रेडियस सेंटर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसे दिख रहा है। इधर समझा क्या? सर कंफ्यूज हो गया। ओके, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? स्लोप, स्लोप फॉर्म वाला लिखा हुआ है कहीं पे? स्लोप फॉर्म वाला, एम वाला फॉर्म। अच्छा ठीक है, कुछ और तरीका बताओ इधर तुझे। सर यही वाला पूछ रहे हो ना आप, y माइनस y1 इनटू m। एब्सोल्युटली, y माइनस y1 इक्वल्स टू ये है ना? जी सर। यहाँ रेडियस 5 दिख नहीं रहा है कि सर्किल के इक्वेशन से? हाँ दिख रहा है सर। यस, x1 y1 भी एक्चुअली दिखेगा। x माइनस एक्स वन का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर ही तो होता है सर्किल का इक्वेशन। यस सर। हाँ तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। थोड़ी दिया तो मैं वहीं पे सोच में पड़ गया था। ओके। तो y प्लस वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस सेवन प्लस माइनस फाइव इनटू रूट वन प्लस m स्क्वायर। ये हुआ टेंजेंट का इक्वेशन। इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, फिर एम क्या होगा, फिर उसके बाद एम मिलने के बाद क्या करेंगे? आगे बढ़ो। इसके बाद थोड़ा टेंजेंट्स का ब्रेक लेके थोड़ा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बीच में दूसरा करेंगे। ओके स्वयं, आई एम नॉट श्योर स्वयं इफ दैट इज राइट अगेन।
इसमें कौन सा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे? जिस पॉइंट से टेंजेंट्स बन रहे, दैट इज करेक्ट साक्षी। इसमें गए जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सर एम कौन सा रूट में आ रहा है ऊपर? रैशनल नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स नहीं आएंगे, रैशनल आएंगे, फ्रैक्शंस। Okay. Do you need more time? Sir, the same you want. हाँ, पिछले आंसर ये आंसर सेम है। जीरो जीरो पुट करेंगे तो वन इज इक्वल टू एम इंटू माइनस सेवन प्लस माइनस फाइव इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। फिर सेवन एम इस साइड आएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम इक्वेशन एज द प्रीवियस क्वेश्चन। The numbers are in such a manner that you are getting same equation. जल्दी करो गाइस, बहुत टाइम लगा रहे हो सॉल्विंग में। एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे फॉर क्लैरिटी। पहले ये हो गया तो बताओ, बहुत सारे सब पार्ट्स दूंगा क्वेश्चन में। आर यू गाइस डन विद दिस और आर यू स्टिल डूइंग दिस? वीर परफेक्ट करेक्ट है, वीर और साक्षी दोनों का तो हो गया। एम के वैल्यूज गाइस 3/4 और -4/3 आएंगे। फिर स्लोप मिलने के बाद इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस जीरो स्लोप पॉइंट फॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिनको ये समझ में आया, नेक्स्ट नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारा मिक्स करके बहुत लंबा सा क्वेश्चन दूंगा। पहले इसमें किसी को डाउट है क्या? सॉल्व भले ना हो, मेथड में डाउट है तो पूछो। ओके Erase कर रहा हूँ गाइस। Yes sir. Yes sir. Okay. Right on. Consider the circle. Consider the circle. X square plus y square minus 6x plus 8 equals to 0. Plus 8 equals to 0. And a point P. And a point P 5,0 and a point P 5,0. Consider the circle x square plus y square minus 6x plus 8 equals to 0 and a point P 5,0 and a point P 5,0. First question, find number of tangents that can be drawn
from P. First question, find number of tangents that can be drawn from the point P. Second question, find equation of the tangent or tangents, if any. Second question, find the equation of the tangent or tangents. Third question, yahan tak likh liya na sabne? Yes, sir. Third question, let points of contact, of tangents be A comma B. Let points of contact of tangents be A comma B. And hence find equation of circumcircle of triangle PAB. Equation of circumcircle of triangle PAB. Fourth question. Find length of tangent from P. Fifth question. Find angle between the tangents. Find angle between the tangents. Sir, by 9. Ek aur question. Sixth question. If C is the center of the circle, find area of quadrilateral. If C is the center of the circle, find area of the quadrilateral PACB. Find area of the quadrilateral PACB. That is correct, Shubh. Aur ek question do ya enough hai? Sir, bas. ठीक है पहले दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करो फिर उसके बाद I'll discuss the two questions then I'll discuss two more give it a try everybody first question or second question are the questions which we have been doing since some time okay I'll give you 5 minutes to solve the two questions okay guys I hope that's enough. Yes, Sakshi. First question ही किसी से solve नहीं हो रहा है तो यार बताना चाहिए मुझे अभी. Sir, हो गया. Just asking, किसी से नहीं हुआ first वाला, तो now is the time to ask.
अभी फर्स्ट क्वेश्चन से समझेगा कि पॉइंट बाहर है कि अंदर है या कौन सा मेथड यूज करना है। स्लोप ढूंढो गाइस, मैं बार बार बता रहा हूँ, आज पूरा क्लास अभी तक वो एक ही फॉर्मूले पे कर रहे हैं, वो फॉर्मूला अभी भी नहीं डाइजेस्ट हुआ, तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। कुछ नहीं समझे अभी तक तो भी पूछो, इन द मीन टाइम अदर्स आर ट्राइंग, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अभी तक फर्स्ट वन किसी का नहीं आया तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, पॉइंट अगर बाहर है तो कॉमन सेंस कहता है कि दो टेंजेंट बनते हैं। पॉइंट बाहर है कि अंदर है कैसे पता चलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट। इफ यू आर गेटिंग ए पॉजिटिव वैल्यू देन द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड। सो इन दिस क्वेश्चन वी विल सब्स्टिट्यूट 5,0 इन द इक्वेशन ऑफ द सर्किट। That is right, is a positive आएगा 5,0 put करने पर, therefore दो tangent है, therefore दो tangent है, so that is the most basic type of question, दो tangents है। Did you guys figure out the center of the circle? 3,0 Thank you. और radius? 1 और 5,0 पॉइंट बाहर है। सर वो कंटिन्यूएशन है। क्या कंटिन्यूएशन है? सर मैंने आंसर भी था। ओह सॉरी। एक्स माइनस 3 की एक्स माइनस 5 वो 3 की जगह 5 है, बाकी सब सही है। शुभ टेंजेंट हाँ सर राइट ओके सर दो मिनट टाइम नो प्रॉब्लम आई जस्ट राइट ऑन वन स्टेप नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और द क्वेश्चन इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट गाइस इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट मतलब हमें इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए बिकॉज पॉइंट तो ऑलरेडी पता है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोटिस इज टी इक्वल टू जीरो कैनॉट बी यूज्ड टी इक्वल टू जीरो कांट बी यूज्ड हियर बिकॉज टी इक्वल टू जीरो विल ओनली बी यूज्ड इफ ए पॉइंट इज ऑन द सर्कल सो सिंस द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल एम ढूंढूंगा फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करूंगा एम ढूंढूंगा एंड इवेंचुअली एम ढूंढने के लिए वी हैव टू राइट जनरल स्लोप फॉर्म वी हैव टू राइट स्लोप ढूंढने के लिए स्लोप फॉर्म यूज करेंगे दैट्स ऑल जनरल स्लोप फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस माइनस r इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर इस क्वेश्चन में ऐसे होगा ये जनरल स्लोप फॉर्म हमें एक ऐसा m ढूंढना है जो 5,0 से पास करे बिकॉज क्वेश्चन मेकर ने बोला है टेंजेंट 5,0 से बन रहा है तो 5,0 पुट करो और m का वैल्यू आएगा इस बार थोड़े से इरेशनल नंबर्स आएंगे
सर मेरा रॉन्ग है इरेशनल आएगा स्क्वायर रूट लेते टाइम रूट नहीं लगाया क्या डिनोमिनेटर में चेक कर जरा जो दो आंसर्स भेजे बस उस उनके ऊपर रूट लगता है लगेगा तो यही है तो कैलकुलेशन चेक कर फिर से लेट अस वेट फॉर समवन एल्स टू आंसर शुभ ने वैसे लग रहा है सही भेजे फाइव कॉमा जीरो सब्स्टिट्यूट करो गाइस एक्स की जगह फाइव और वाई की जगह जीरो दैट्स नॉट ए बिग डील टू डू Do you need help, anyone? Shubh, third wala aaya kya? Nahi sir, soch raha hu. Third nahi ho raha to, fourth soch. That is right, Swayam. Don't you think plus minus लगाना चाहिए? दो वैल्यूज आएंगे ना? हाँ सर. साक्षी सबका सेम आ रहा है तेरा ही डिफरेंट है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक डेफिनेटली है. बताएगी क्या कैलकुलेशन? हाँ सर मैंने लिखा जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एम इनटू फाइव माइनस थ्री प्लस और माइनस रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर तो हो गया जीरो इज इक्वल टू टू एम प्लस और माइनस रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर फिर टू एम वो साइड जाएगा तो माइनस टू एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर तो फिर दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओके What Sakshi said is the perfect method. I hope others also followed. Sir, हाँ बोलो. Length of tangent निकालने के लिए point A और point B तो निकालना पड़ेगा ना. जरूरत है क्या? Length of tangent directly कुछ तरीका नहीं है क्या? हाँ sir. तो फिर Okay guys, too much time. पता नहीं बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं बाकी लोगों का आंसर नहीं आया इजार स्वयं सॉरी स्वयं का तो आ गया फरहान और एनीबॉडी एल्स आयुष्मान मरियम ओज ऋषिका का भी नहीं आया स्वयं प्लस माइनस रूट थ्री है ना तो तूने वापस से क्या भेजा रूट थ्री नहीं थे और आंसर में नहीं सॉरी सर गलती से टाइपिंग एरर हो ओके फेयर एनफ छोड़ दे फिर तो एम का वैल्यू प्लस माइनस रूट थ्री आने के बाद प्लस माइनस रूट थ्री आने के बाद फिर क्या करेंगे ये शुभ गलत है कैलकुलेशन फिर क्या नहीं नहीं शुभ करेक्ट है आई एम सॉरी शुभ इज करेक्ट फिर क्या करेंगे एम का वैल्यू आने के बाद स्ट्रेट लाइंस का हाँ स्ट्रेट लाइंस का स्लोप पॉइंट फॉर सो देयरफॉर आवर आंसर विल बी y माइनस जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री इनटू x माइनस फाइव दैट इज द आंसर m आने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर इज व्हाट द आंसर इज सो गाइस दीज आर द टू सम्स इन फैक्ट द सेकंड सम इज द सम व्हिच वी आई एम फोकसिंग ऑन द कंप्लीट लेक्चर टुडे फॉर्म लिखो m ढूंढो बस उसके और एडिशनल चीजें हैं और चीजें जो पूछ सकते हैं
सेकंड क्वेश्चन किसी और कोई और सॉल्व कर रहा है एनीबॉडी एल्स हु स्टिल सॉल्विंग शुभ गलत है ओके क्या चलेगा इस अदर्स व्हाट शुड आई डू शुड आई सॉल्व द नेक्स्ट वन और नॉट टू मच टाइम आई एम एरेजिंग दिस नाउ वी गॉट द टेंजेंट का इक्वेशन लेट अस कीप दैट असाइड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन एनीबॉडी एलाबोरेट जस्ट क्वेश्चन ही समझाओ नो प्रॉब्लम सर मतलब जो टच कर रहा है जिधर टेंजेंट वो ए और बी होगा वीर करेक्ट है फोर्थ फिफ्थ हाँ ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट जहां पे भी टच कर रहा है वो पॉइंट्स ए और बी दे रखा है इस पॉइंट को पी दे रखा है तो सर मैं, ट्रायंगल बनेंगे कैन यू टेल मी विच वेयर आर द टू ट्रायंगल्स कैन यू नेम द टू ट्रायंगल्स ए ए ओ पी और बी ओ पी हाँ ओ की जगह सी बुलाते सेंटर को दैट इज करेक्ट एक ये है अभी कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल सी ए पी 90 डिग्री सी बी पी इज आल्सो 90 डिग्री इज दिस अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सी ए बी पी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सी से भी पास करेगा सर्कल तो हमें ये ब्लू सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है तो इस सर्कल के इक्वेशन में कुछ स्पेशल है क्या एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस सर्कल सी द एंगल्स आल्सो हैव मार्क्ड सर डायमेट्रिक फॉर्म में कर यस व्हाट विल बी द डायमीटर हियर सी सी एंड पी पी सी पी विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज एवरीबॉडी क्लियर हियर यस सर एंड पॉइंट्स है सी का कोऑर्डिनेट्स पता है 3.0 पी के कोऑर्डिनेट्स भी 5.0 इक्वेशन ऑफ द सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म क्या होगा डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है x minus x1 into x minus x2 plus y minus 3 into x minus 5 plus y minus 0 into y minus 0 = 0 that is the answer done everyone yes sir okay फोर्थ क्वेश्चन यू गाइस कैन डू हाँ हाँ ये रहेगा बोर्ड पे थर्ड के बाद फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी कोशिश करो वीर के हो गए शुभ के भी हो गए फोर्थ और फिफ्थ सिक्स वाला भी कर सकता है वीर ये सिक्स इतने क्वेश्चंस में से ऑफकोर्स एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है Fourth question is completely independent question. Just because tangent word is used, I have given it in as a part of this question.
How are you solving the fourth question? Under root S1. Yes, that is right. Under root S1 is the answer. Length of tangent from any point. That is the fastest way. So, Sthira, in the meantime, I'll just check for an assignment. Okay, I got few more answers. Swayam, what? कैसे किया under root S1 बता? Is there under root भूल गया क्या? क्या सर? Under root भूल गया क्या? Square root? नहीं नहीं भूला. Sir, sorry, मैंने वो पना half point substitute कर दिया. कौन सा point? Sir, P point. P point ही substitute करेंगे. बताओ इधर डिटेल्स लेंथ ऑफ टेंजेंट सर अंडर रूट वन प्लस वन माइनस एट वन वन कहाँ से आया अंडर रूट सर एक्स स्क्वायर का वो है ना कोएफिशिएंट वन है हाँ तो एस वन का मतलब क्या है एक्स की जगह पॉइंट डालेंगे ना हाँ सर एक सेकेंड एक्स की जगह फाइव डालेंगे ना Are others following this, guys? Under root S1 भूल गया क्या? सर उल्टा कर दिया. Okay. Rushika is correct. Assignment बाद में बनाते रहते हैं मैं word expire हो गया that is correct Swayam सर angle निकालने के लिए angle निकालने के लिए time चाहिए सर hand सर angle निकालने के लिए angle के पहले मुझे पहले length of tangent का answer can you complete this 5 square plus 0 square के आगे माइनस एक्स इनटू फाइव प्लस एट एक्स इनटू फाइव सिक्स इनटू फाइव सिक्स इनटू फाइव प्लस एट थैंक यू वो सिंपलीफाई के अंडर रूट थ्री आना चाहिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज रूट थ्री लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज रूट थ्री आई डोंट नो व्हाट एनीबडी डिड वेल ठीक है नाउ नेक्स्ट वन नाउ डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो एवरीबॉडी डायग्राम कोशिश करो एक सर्किल है और दो टेंजेंट्स है एक सर्किल है और दो
टेंजेंट से। अभी हमें ढूंढना क्या है, ये फुल एंगल, ये फुल एंगल ढूंढना है। अभी देखो तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें ढूंढ ली है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये लेंथ क्या है, व्हाट इज दिस लेंथ, वन वन रेडियस। और कौन सा लेंथ पता है सर, टेंजेंट। ये वन है, वन की जगह मैं टेम्पररली आर करके लिख रहा हूँ ताकि फॉर्मूले की तरह तुम लोग याद रखो। और कौन सा वैल्यू पता है हमें, टेंजेंट का लेंथ। टेंजेंट का लेंथ है रूट एस वन, जो तुम लोग ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। और डायमीटर का भी लेंथ पता है, मतलब डायमीटर का भी पता है। और ये 90 डिग्री भी पता है। यस सर। ओके, तो अगर मैं सेंटर और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, ज्वाइन करूं, तो ये एंगल ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर। जरा इस क्वेश्चन में क्या, हाँ सर, ये वन है और ये रूट थ्री है और मैं पूछ रहा हूं ये एंगल कितना होगा गाइस। कैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, क्या करना चाहिए? टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा कितना है, 1/√3। तो थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली 30 डिग्री है, तो ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो कितना होगा वो, 60। सो द आंसर इज 60 डिग्री, द आंसर इज 60 डिग्री। तो अगर रेडियस और रूट एस वन से हम लोग एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ढूंढ सकते हो। Is everyone clear here also? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Like Izar has said, I don't know, Deed ने कैसे किया? Izar ने भी बोला कि हम लोगों को दोनों tangent के slope भी पता है, M1, M2. पता है क्या? Second question से मिल गया ना? दो slopes. हाँ, sir. Yes, sir. वो कह रहे हैं tan theta is M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2 भी use कर सकते हैं. Agree with sir, it? Yes, sir. That is also correct. I don't know, is that kya likha? I just corrected your whatever. Last question is to find the area of what? PACB. इस quadrilateral का area ढूंढना है. Do you want a hint or do you want to try? Sir, हो जाएगा. हो जाएगा. In fact, एक triangle के area ढूंढ के उसका double कर सकते हो. ट्रायंगल के एरिया भी पता है और ये ट्रायंगल भी स्पेशल है, और कितना हिंट दो, आंसर बताओ जल्दी अभी।
वीर इज करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट, इजार आई डोंट नो किसका आंसर भेजा बट करेक्ट है वो, सिक्स्थ का आंसर है वो. सिक्स्थ का ही भेजा है. करेक्ट है. शुभ आया नहीं अभी तक स्वयं आल्सो. ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इनटू आईडिया राइट एंगल ट्रायंगल है. बेस हाइट क्या है दिख रहा है ना, आर और एस रूट एस वन ही तो नहीं है. हाँ सर जल्दी करो यार, दैट इज करेक्ट. स्वयं ऋषिका क्या हुआ? हाँ सर. और इधर वन पीस देखता है क्या तू? लास्ट टाइम हमने बात किया था कि वन पीस देखता है करके, बताया आपको. हाँ जोरो जोरो ही औसम लगता है मुझे. आई डोंट नो तू थियरीज वगैरह भी फॉलो करता है कि नहीं. उसका जो आंख है वो सच्ची में चला गया या उसका? सर वो बोलते हैं अवेकनिंग ऑफ आई होगी आगे. हाँ मतलब मैंने भी वही थियरीज पढ़ा है कि वो कुछ तो मॉन्स्ट्रस रहता है. सर आप मिरारो लाओ ना. हाँ लगाते ही आ जाऊंगा टाइम टेबल के हिसाब से. सर आ जाओ बगैर बोले आ जाओ. हाँ छुट्टी रहेगी तो घूम नहीं सकता हूँ. मीरा रोड के आसपास कुछ है क्या देखने के लिए? तो उसी बहाने आ जाओ. मैक्सिस मॉल बाइंडर में. मॉल क्या है? मॉल में क्या ही है? सर घूमने के लिए नहीं इतना अच्छा है मीरा रोड. मीरा रोड के आसपास भी चलेगा हो सकते हैं. हाँ एक सेम एरिया ऑफ द ट्रायंगल गाइस सिंपल है यार. हाफ बेस हाइट हाफ इनटू आर इनटू रूट एस वन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल और उसका डबल है. चलेगा मैं इरेज कर रहा हूँ. बहुत हो गया. ओके और एक एक वर्ड है वो वर्ड बता के आई एंड एंड द क्लास. वो वर्ड जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है. लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स मैडम definition is right on locus of points from where perpendicular tangents, from where perpendicular tangents can be drawn. Locus of points from where perpendicular tangents can be drawn, perpendicular tangents can be drawn is called as, called as, it is a name that you have to remember. It's a unique name. The name is director's circle. The locus of points from where perpendicular tangents can be drawn is called as director's circle. Is called as director's circle. It's called as director's circle. डेफिनेशन लिख लिया क्या एवरीबॉडी? यस सर. ओके नाउ आई टेल यू द थ्योरी पार्ट ऑफ दैट. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट. फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर. तो इफ द सर्कल, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल एक होता है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल एक होता है वो तुम्हें रटना पड़ेगा. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन मतलब पहले तुम लोगों को वो रियलाइज करना पड़ेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पहले देयर इज अ सर्किल, देयर इज अ सर्किल, देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन. तो देयर कैन बी वन पॉइंट समवेयर, देयर कैन बी वन पॉइंट समवेयर where perpendicular tangents are drawn. So, for example, दो tangents है, दोनों tangents perpendicular है. ये point. ये दुनिया में ये एक ही point है क्या जहां से दो tangents perpendicular है? No sir.
कोई और पॉइंट भी हो सकता है क्या? कैसे रहेगा दूसरा कोई पॉइंट? सर उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे होगा। एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे, तो समझो यार ये बॉल जैसा है और ये दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, इसको थोड़ा सा मूव करूंगा तो भी एक और पॉइंट हो सकता है ना सर? रोटेट सर, इनफैक्ट ऐसे पूरा रोटेट कर सकता हूँ इधर जैसे बोल रहा है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस? वो सारे पॉइंट्स किधर रहेंगे, कैसे रहेंगे वो सारे पॉइंट्स? सर्कल शेप में, सर्कल शेप में रहेगा ये। आई डोंट नो विजुअलाइजेशन सबको हो रहा है क्या? हाँ सर। ये सर्किल के इक्वेशन को ही हम डायरेक्टर सर्किल करके बुलाते हैं, ये डायरेक्टर सर्किल। तो ये जो डॉटेड सर्किल है रेड सर्किल, इसका सेंटर क्या रहेगा सर? जो सर्कल का सेंटर रहेगा भाई, सेम रहेगा। तो डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर, ये जो सर्किल है सेम सेंटर रहेगा। जैसे कि 0 0 होगा तो इसका भी x square plus y square equals to something रहेगा। अभी रेडियस, रेडियस इज इम्पोर्टेंट ना। ये रेडियस है आर, तो ये बड़ा सर्किल का भी रेडियस आर से ज्यादा तो रहेगा, इतना तो क्लियर है? यस सर। यस सर। कितना रहेगा, कैन यू गाइस थिंक मोर, कितना रहेगा? अभी देखो यहाँ एंगल्स बना लेते, ये एंगल तो 90 है गाइस। जितना वो डायमीटर मतलब, और कोई एंगल दिख रहा है क्या इस डायग्राम में? एनी अदर एंगल दैट यू कैन फाइंड? टेंजेंट और रेडियस का, टेंजेंट और रेडियस का। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल भी 90। ये कोई कौन सा शेप बन रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो रेड सर्किल का रेडियस कितना रहेगा फिर? सर्किल का रेडियस जो है रूट टू टाइम्स रेडियस रहेगा, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन रूट टू आर का स्क्वायर। रूट टू आर का स्क्वायर मतलब हो गया 2r2। तो ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल है। तो सर्किल दिया है, फाइंड डायरेक्टर सर्किल, मतलब दिस इज द आंसर। याद रहेगा नाम? यस सर। यस सर, राइट इट डाउन, रिमेंबर इट सर। फिर तो वो रोल वाला रहता है ना, सर्किल के ऊपर रोल करता है सर्कल। और वो डिफरेंट है, वो मैंने लास्ट टाइम बता दिया ना। हाँ सर, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, वो भी सिमिलर सिनेरियो है वो, लेकिन डिफरेंट है। वेल, डायरेक्टर सर्किल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन सकते हो। सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सर्किल पे ले करेंगे और उनका रेडियस रूट टू टाइम्स आर रहेगा। सर वो जो रोल वाला, उसमें टेंजेंट्स है ही नहीं, तो ये कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं होगा भाई, उसमें भी लोकस बट सर्किल, इट हैपेंस टू बी सर्किल, दैट इज ऑल। जस्ट वन मिनट, ओके, आर यू गाइस डन? यस सर। ओके चलेगा, एक होमवर्क ना, मैं फोटोज है थोड़े, एस एल लोनी के थोड़े फोटोज है और मॉड्यूल के भी थोड़े फोटोज है, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस डाले, जैसा हूँ चेक करना। ये सारे तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जितना टाइम मिले उतना करना। SLO निकले और लास्ट फोटोग्राफ जो है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारे मॉड्यूल के, ठीक है? विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। किसी को डाउट है क्या और कुछ? सर आपका लेक्चर सैटरडे को भी है ना? एक सेकंड।